आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को मैं बोल दूं, पहले तो जितना भी लाइव क्लास आप सभी को मिल रहा था वो लाइव क्लास जो है वो आप सभी का बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी कुछ दिन 2-3 दिन से आपको नेट इंटरनेट को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप सभी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जो बैंडविड्थ है ना वो हर एक इंटरनेट का जो है वो कम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं उनके स्टाफ को बोल दिया गया है कि आप अपने घर से काम करिए, उनको सिस्टम तक उनके घर में दे दिया गया है डोंगल के साथ। इतना सिक्योरिटी रीजन होने के बाद भी ऑफिस से उनको घर तक शिफ्ट कर दिया गया हर एक स्टाफ को, ताकि आप घर से जो है वो काम करिए, समझ रहे हैं, जिसके वजह से बैंडविड्थ कम कर दिया गया ताकि लोग अपने घर से भी जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। इसके वजह से जो है वो आपका लाइव क्लास नहीं मिलेगा, कोई भी क्लास जो आपका आ रहा था, लेकिन वो क्लास आपको ऑफलाइन जो है वो जरूर मिलेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम सभी को भी जो है वो पूरा सपोर्ट सहयोग करना है सरकार को हर एक चीज में, क्योंकि आप सभी को पता है 31 मार्च तक रेलवे को जो है वो ठप कर दिया गया। इस चीज को आप सीरियस लो, आप समझ रहे हैं। अगर आपको बोलता है, बहुत जन बोलते हैं कि वहां उस रूट का ट्रेन आज नहीं चलेगा, उस रूट का ट्रेन नहीं चलेगा, उस स्टेट में 4-5 लोकल ट्रेन बंद है, तो कितना जिंदगी इधर का उधर हो जाता है। यहाँ पर पूरे भारत वर्ष का ट्रेन जो है वो ठप कर दिया गया है, आप समझ रहे हैं कंडीशन कितना सीरियस है हमारे देश में, फिर भी लोग सीरियस नहीं हो रहे, लाइटली ले रहे हैं। यहाँ पर हर एक नेता, पीएम, हर एक देश के सीएम एकजुट पॉलिटिक्स को साइड रखकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं सभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस है हमारे देश में ना फैले बुरी तरह से COVID-19। अगर एक बार इंडिया में बुरी तरह से फैल गया ना तो पूरा विश्व नष्ट हो सकता है, क्योंकि आबादी जो है वो 130 करोड़ है और चाइना के इतना हम सभी एडवांस तो उतना है नहीं, लेकिन फिर भी नेता बोलते रह जाएंगे, सीएम पॉलिटिक्स सब साइड में रखकर अभी देश को बचाने में सभी देश के सीएम ऑफिसर पीएम सभी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ जनता के बेवकूफी के वजह से ना पूरा देश डूब जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूंगा, आप सभी को पता था कि मोदी जी ने बोला था शाम को 5 बजे 5 मिनट के थाली घंटी जो भी है आप सभी के सामने वो थोड़ा बजाकर उनको मोटिवेट करिएगा जो अपने परिवार को साइड में रख कर भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ सैनिक लड़ना नहीं कराते हैं, यहाँ पर डॉक्टर नर्स को बहुत एप्रिसिएट मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि उनको अंदर से फील हो कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, और उनके परिवार को भी ये फील होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा डॉक्टर नर्स अलग कर्मचारी रहकर भी अगर बाहर जा रहे हैं जनता के लिए, यानी वो भी मोटिवेट हो पाए, इसके लिए कहा गया था। लेकिन आज ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत लोग ने, अगर बोलो 80% लोगों ने अगर मोटिवेट किया, 20% लोगों ने, हद है, कॉमन सेंस का तो बात ही नहीं है। आप बहुत जगह वीडियो देखे होंगे यार, रोड का रोड पर पूरा बैंड डांस वगैरह कर रहे हैं पूरा भीड़ के साथ, क्या मतलब है, ऐसा लग रहा है इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है और सभी पार्टी कर रहे हैं। अरे एक दिन जनता कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा, आपको 15-15, 20-20 दिन तक ये जो है वो दूरी मेंटेन रखने की जरूरत है। अगर एक दिन में कुछ हो जाता तो आईटी कंपनी थोड़ी ना बोलती अपने स्टाफ को कि आप घर से काम करिए, थोड़ी ना सभी बोलता कि राज्य का राज लॉकडाउन किया जा रहा है, समझ रहे हैं, सभी बंद का मतलब समझ रहे हैं कितना प्रॉपर प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, फिर भी ये सरकार स्टेप ले रही है ताकि जनता, ताकि पब्लिक को कुछ ना हो, फिर भी आपको ये जो चीज है वो एक दिन मेंटेन नहीं करना है, 15 से 20 दिन 25 दिन जितना दिन लगे उतना दिन मेंटेन करना है हम सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है ये बीमारी ऐसा है ही। अगर मैं इस वायरस के बारे में थोड़ा सा आप सभी को एक्सप्लेन करूं तो आप देखो, आप सभी को पता होगा मलेरिया मच्छर काटेगा, चलो घर में है मॉर्टिन वगैरह जला देंगे, गुड नाइट जला देंगे, चलो मच्छर नहीं काटेगा, मलेरिया से बच जाएंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया कॉमन सेंस काम करता है। डेंगू होता है, चलो टीबी होता है, चलो समझ में आता है, स्वाइन फ्लू होता है, चिकन वगैरह नहीं खाएंगे वहां से आ रहा, चलो समझ में आता है, निपा वायरस आता है उससे आया, चलो समझ में आता है। ये बीमारी ऐसा है जिसको हो रहा है उसको भी पता नहीं है कि हमें कोरोना वायरस है कि नहीं है, अब वो पार्टी में जा रहा है, मस्ती कर रहा है, कितने लोगों से मिल रहा है, बीमारी जो इसका असर है वो 14 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है वो तो लड़ रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन वो जिससे बात कर रहा है, जिससे मिल रहा है,
उसका अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर नहीं हो तो वो बीमारी कहीं ना कहीं उस हमसे उन तक पहुंच रहा है, और जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर नहीं है वो उनसे आप बोल सकते हो छुआछूत का बीमारी है। आप समझ रहे हैं? अगर आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि रेलवे का रेलवे ठप कर दिया गया पूरा भारत का, जिसको हम लोग लाइफ लाइन बोलते हैं, रेलवे एक प्रकार का सबसे बड़ा मोनोपोली है हमारे भारत का, जहां से सबसे बड़ा इनकम आता है एक हिस्सा, उसको ठप करने का मतलब सरकार बहुत लॉस कर रही है, राज्य जो स्टेट है वो लॉस कर रही है, फिर भी ये स्टेप लिया गया। क्यों लिया जा रहा है आप समझो, सीरियस हो, लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बैंड पार्टी को बुला ली रोड पर डांस, अरे क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप इंडिया जीत लिया है और सभी गले मिल रहे हैं, अरे गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। फिर नेता अभिनेता कोई सभी बड़े बड़े स्टेप सभी जागरूक कर रहे हैं, या कुछ आप लोग चीज नहीं समझ रहे, मजाक मत लीजिए आप सभी। इटली भी यही मजाक कर चुका है, इटली भी समझा चाइना में हुआ है, हम चाइना कहां पर इटली कहां पर, 1,000-1,500 किलोमीटर चाइना से इटली इतना दूर है, कहां हम लोगों लोग कहां होगा। चाइना भी स्टार्टिंग में 5 केस 10 केस 15 केस, आज देखो 700-800 लोग एक दिन में पॉजिटिव नहीं मर रहे हैं इस बीमारी के वजह से। सीरियस लो, वहां पर तो आबादी 6 करोड़ है, यहां पर आबादी 130 करोड़ है। समझ रहे हैं? 130 करोड़ आबादी है। हेल्थ केयर के मामले में इटली का रैंक 2 है, इंडिया टॉप 100 के अंदर भी नहीं आता है। तो ये आप सभी, हम सभी मिलकर बचाना है, हम सभी को एक आर्मी का जवान बनना है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम सभी लाइटली ले रहे हैं, मजा अभी मैं गजब मजा आ रहा है यार, वहां पर एक पुलिस वाला सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, सभी लेडीज जेंट्स सभी बजा रहे हैं रोड पर पूरा भीड़ के साथ, वहां पुलिस चिल्ला रहा है क्या कर रहे हैं आप सभी, क्या कर रहे हैं, वो बोल रहा है सेंट्रल के ऊपर से ऑर्डर है करना है, हद है, सेंट्रल से ऊपर से ऑर्डर है, मोदी जी ने बोला है बजाने के लिए। अरे मोदी जी ने बोला है अपने बालकोनी से डिस्टेंस बनाकर सोच ऐसे करने के लिए, आपको ये नहीं बोला है कि शादी करने के लिए या वर्ल्ड कप जीते उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ये मोदी जी नहीं बोला है। थोड़ा तो यार उस भीड़ में थोड़ा सा भी कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं जो समझा सके, बेवकूफी है ना यार। हो सके आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये खुद देखो, हर एक स्टेट के सीएम जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जबकि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए, और हम लोगों को भी ये सब चीज साइड में रखकर पहले देश को लेकर आगे आना पड़ेगा, ताकि हम सभी सोच पाए देश के बारे में। ये आप सभी को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बहुत डेंजरस बीमारी है ये वाला, किसी को समझ में नहीं आ रहा है किसको हो रहा है नहीं हो रहा है। एक आदमी के वजह से लाखों आदमी जो है इसके कंसल्ट में आ सकता है, एक आदमी, एक वायरस, इतना डेंजरस वायरस है, पूरा विश्व पागल है। हम सभी अगला ना हो, आप सभी को पता है ना, लास्ट 20 स्टार्टिंग में इंडिया में केस कितना था, 2, 3, 4, 5, 10, 12, सभी मजाक ले रहे थे। पिछले 24 घंटा में 98 केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए, पिछले 24 घंटा में, सच्चाई बता रहा हूं, आप सभी देख लेना। अभी आने वाले हफ्ते में देखना कितना केस आ रहा है, और ये केस क्यों आ रहा है, बस आपकी बेवकूफी की वजह से, आप लाइटली ले रहे हैं, हमको नहीं होगा, हमको नहीं होगा, अरे हमको नहीं होगा कैसे बोल सकते हो यार, जिसको जिसको है भी उसको पता नहीं चल रहा कि हमको है कि नहीं, वो आपस में सबसे मिल रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ दिन के बाद असर कर रहा है। अब वो डॉक्टर पता कर रहा है इसको है, तब पता चल रहा है कि किससे किससे मिला, फिर वो किससे किससे मिला, फिर वो किससे, पूरा कड़ी पूरा भारत को ले डूबेंगे बस आप लोग कुछ बेवकूफी के वजह से। तो अगर आपको जैसा बोला जा रहा है वैसा बोलिए, या मस्ती करने के लिए नहीं बोला गया है। क्लास के माध्यम से बस आपको इतना मैसेज देना था आज के क्लास में, कि जो आपका लाइव क्लास था ना, जो आपका लाइव क्लास था वो नहीं हो पाएगा, मैंने आपको रीजन भी बोल दिया है, लेकिन हाँ आपको जितना भी क्लास था वो ऑफलाइन आपको मिलेगा हमारे चैनल पर प्रॉपर वे में, ठीक है ना। और ख्याल रखो अपने अपने परिवार का, कोई भी सामान अगर बाहर से आता है उसको अच्छे से धो, क्योंकि मान लो अगर इतना भी अगर आप पढ़े लिखे हैं लाइटे मत लो, मान लो अगर एक आटे का पैकेट भी अगर घर में आता है, एग्जाम्पल ले लो, उस आटे को पैकेट को कितनी जन छुए होंगे प्रोसेसिंग के टाइम, वो आपके घर में आ रहा है। और ये वायरस क्या है, वही चीज है, वायरस का गण, वायरस यही कर रहा है, एक लोग अगर छू रहा है तो उस लोग को, जितने लोग छू रहे हैं उतने लोगों को हो रहा है। तो घर में अगर कोई भी सामान आता है तो मम्मी को बोलो, या आप भी जो है वो कर सकते हैं,
आप भी धो सकते हैं, आप भी ये सब काम कर सकते हैं। तो करो यार, जितने दिन सरकार बोल रही है सुनिए, हम सभी भी अपने माध्यम से बता रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आप सभी भी जागरूक करो, आप भी बताओ लोगों को, वरना एक बार इंडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उतने बेड नहीं है हमारे पास, कुछ लोगों की बेवकूफी के वजह से पूरा भारत डूब जाएगा। आप चाहते हैं ऐसा? सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा, मिलकर सोचना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है? चलिए,